बिना पंचांग के वार दिन कैसे निकालें। आज का जो विषय है हम लोग सीखेंगे बिना पंचांग के वार कैसे निकालते हैं, उसके क्या सूत्र है, उसके निकालने के तरीके क्या हैं। उसका सूत्र है जो संवत चल रहा है उस संवत में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो वार हो वही उस वर्ष का राजा कहलाता है। ऐसे और भी सुने, चैत्र शुक्ल पक्ष के गत मास अमावस्या तक गिनती करें, जो संख्या हो उसे डेढ़ से गुणा कर दें और उसमें वर्तमान महीना के पक्ष के बीते हुए दिन को जोड़ दें और जो योग आए उस योग में 7 का भाग दें, शेष बचे उस वर्ष को राजा के वार जो वार है जो चैत्र प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को वार से की संख्या तक गिने। ऐसे मान लीजिए मंगलवार राजा है तो मंगलवार आप वर्तमान मंगलवार जो बीता है उससे गिनती करें तो वह बार ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ आप उदाहरण के साथ देखें, संवत 2078 में श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी को कौन दिन था, तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का वार राजा मंगलवार था। तो गिनती किया तो चर मास जो भी वर्तमान में चल रहा है अर्थात 4 × 1.5 = 6। अब श्रावण अमावस्या के बाद और शुक्ल द्वादशी के पूर्व 11 दिन = 6 + 11 = 17। अब नियम के अनुसार 17 में भाग 7 का देना है, तो 17 में 7 का जो भाग देंगे तो यहाँ पर शेष जो है 3 बच जाएगा और भागफल हमारा 2 बचेगा। अब वर्ष के राजा मंगल से गिनती करेंगे तो मंगल 1 हुआ, बोध और गुरु 3 हुआ, यानी जो यहाँ पर बचा हुआ है 3 उसी के अनुसार 3 उसमें जोड़ देते हैं, मंगलवार बुधवार और गुरुवार। अर्थात उस दिन उस समय द्वादशी के दिन गुरुवार का दिन था, ऐसा हमें समझ करके निकालना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। साथियों धन्यवाद।